हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं ग्राम सचिव का पेपर जो 9 जनवरी 2021 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें मैथ से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो हमें चार भिन्न दे रखी हैं, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। हमसे पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न में अंतर क्या होगा। तो जब भी भिन्न में हमें ये पता लगाना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, तो इसके हमारे पास तीन मेथड हैं। या तो आप इनको डेसिमल में लिख लो, फिर डायरेक्ट हम डेसिमल को देखकर पता लगा सकते हैं। सेकंड मेथड होता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं, और एक होता है डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस देखेंगे इन भिन्न का सभी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब भी डिफरेंस कम हो या डिफरेंस सेम हो तो उसमें डिफरेंस मेथड लगाना ईजी रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, एक का, और यहाँ पर ये डिफरेंस एक का है, यहाँ भी डिफरेंस एक का और यहाँ भी डिफरेंस एक का। तो डिफरेंस एक का है, यहाँ पर एलसीएम हो जाए इसका एक। तो जो न्यूमरेटर में संख्या है उनसे इनको डिनोट कर लेंगे, 2, 3, 4 और 5। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 5, तो 5/6 भी इसमें बड़ी हो जाएगी। कौन सी संख्या छोटी है, 2, तो 2/3 संख्या छोटी हो जाएगी। तो इनका अंतर निकालेंगे तो 5/6 - 2/3, बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न माइनस करेंगे तभी इनका अंतर निकलेगा। तो नीचे डिनोमीटर में सेम बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। जब भी भिन्न को प्लस करें या माइनस करें तो डिनोमीटर में संख्या बराबर होनी चाहिए। अब डायरेक्ट माइनस कर लेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 और नीचे है 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए प्लस बी बराबर 5 और 3a + 2b = 20 हो तो 3a + b क्या होगा? हमें एक इक्वेशन दे रखी a + b = 5 और एक इक्वेशन दे रखी है 3a + 2b = 20। हमसे पूछा है 3a + b की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी दो इक्वेशन दे रखी हों और हमें इनको सोल्व करना हो तो किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लो, या तो a को बराबर कर लो दोनों जगह, या फिर b को बराबर कर लो, ताकि उनको फिर हम कैंसिल करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू बराबर कर लेते हैं, यहाँ भी 3a बनाएंगे, तो पूरी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3a + 3b = 3×5=15। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोनों जगह ये प्लस है, तो एक जगह प्लस करेंगे और एक जगह माइनस। तो माइनस करने के लिए इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे तो निशानी चेंज हो जाएंगी सभी की। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल। ये प्लस का 3b माइनस का 2b कितना हो जाएगा, प्लस का b, और यहाँ पर माइनस का 20 प्लस का 15 तो -5। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से -5। इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, a b की वैल्यू -5 = 5, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। अब a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 3 × a, तो ये हो जाएगा 30 + b, b की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √625/11 √25/11 √196, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो √625 होता है 25/11 × 14, √25 होता है 5 × 11, √196 होता है 14। तो 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि y बराबर 5 है तो tan y और रूट के अंदर है y³ - y² का मान क्या होगा? y की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और हमसे पूछा है tan y और रूट के अंदर है y³ - y², तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 50 और 5³ = 125 और 5² = 25। तो ये हो जाएगा 50 × 125 - 25 - 100 और 100 का रूट हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 500 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √34 का 15% क्या है?
तो 34 का हमें 15% निकालना है। 15% अगर आपको डायरेक्ट याद है तो जल्दी सोल्व कर लेंगे। 15% होता है 3/20। अगर नहीं पता तो 15/100 करेंगे, फिर इसको 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 से 15 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 17। तो 17 3 51 और नीचे है 10, तो ये हो जाएगा 5.1 रुपये। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा? तो तीन के प्रथम पांच गुणज निकालने हैं। पहला गुणज, दूसरा गुणज, ये तीन का तीसरा गुणज, और ये तीन का चौथा गुणज, और ये तीन का पांचवा गुणज। तो यहाँ पर डिफरेंस बराबर है, और जब भी डिफरेंस बराबर हो और हमें एवरेज निकालना हो तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15। तो सभी के अंदर 3 का डिफरेंस है, तो बीच वाली संख्या इसका एवरेज हो जाएगी 9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने एवरेज के अंदर इसको सीख रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सौ बावन को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो 252 के हमें गुणनखंड निकालने हैं अभाज्य। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, अब जाएगा ये 3 पर, 3 2 6, 3 1 3, फिर से जाएगा 3 पर, 3 7 21, फिर जाएगा 7 पर, और लास्ट में बच जाएगा 1। तो जब तक 1 नहीं आ जाए इसको सोल्व करते जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो अब रीना की आयु क्या है? तो एक रीना दे रखी है और एक सुनीता, और बोला कि रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। तो अगर सुनीता की आयु 1 है तो इसका 2 गुना हो जाएगी रीना की आयु। फिर बोला 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। कौन थी? रीना। अगर रीना 1 साल की थी तो इसकी 3 गुना हो जाएगी रीना। तो अब अपनी ट्रिक लगा लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से, और 3 की इस मल्टीप्लाई इस 3 से हो जाएगी। ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 3 3 9 और 3, तो ये हो जाएगा 6। तो 1 रेशियो की वैल्यू है 6। तो रीना की आयु और ये है सुनीता की आयु, तो रीना की आयु थी 2 रेशियो के अंदर तो ये हो जाएगी 12, और सुनीता की 1 रेशियो के अंदर हो जाएगी 6। हमसे पूछा है रीना की आयु, तो रीना की आयु हो जाएगी 12 वर्ष, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि 144 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 और बटे एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 चला जाएगा फिर ऊपर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 144 से 144 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स को इस साइड लेके आएंगे, बराबर 144 बटे 10 इधर था और 1000 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 10000। अब पॉइंट लगा लेंगे 1 2 3 4, चार संख्या छोड़कर, तो 0.0144 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।